कंपनी के बारे में बोला भी था, द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज़ अराउंड 1400 crores, ROC ROE आपको पता है कैसे देखना है, PE इसका 17 है, दिस कंपनी इज़ इनटू BOPP फिल्म्स एंड दिस इज देयर 96-99% ऑफ द प्रोडक्शन इज डोमेस्टिक, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग, फरवरी 2022 में द कंपनी एडेड अ सेकंड प्लांट ऑफ BOPP फिल्म हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 30,000 टन पर एनम, मेकिंग विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 crores, विच वॉज फंडेड बाई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बाई इंटरनल अक्रूल्स। दिस इज द बेसिक थिंग जो ये कंपनी कर रही है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, आप देखोगे फ्रॉम 2015 वी हैव द डेटा, द सेल्स वर मोर और लेस स्टैगनेंट, 300 करोड़, 260 करोड़, 250 करोड़, 270 करोड़, और डिप्रिसिएशन होने के बाद यू सी देर वर हार्डली एनी मेंटेनेंस कैपेक्स और इम्प्रूवमेंट्स। इनफैक्ट द कंपनी हैड गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो वो बढ़ते जा रहे थे। नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स कुड बी सब्सिडरीज, दीज इन्वेस्टमेंट्स कुड बी कोटेड शेयर्स, दीज इन्वेस्टमेंट्स कुड बी एनीथिंग विच वी नीड टू गो एंड चेक इन द रिपोर्ट्स एंड फाइलिंग्स, राइट। सो वॉट एक्चुअली इज हैपनिंग ओवर हियर, अगर मैं एसेट टर्न ओवर रेशियो निकालता हूँ तो 302 crores ऑफ माई नेट सेल्स डिवाइड बाई 90 crores ऑफ माई एसेट टर्न ओवर रेशियो, विच कम्स टू अ नंबर, अगर आप चाहो तो एक्सेल से भी इसको निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल। नाउ इफ़ यू सी द एसेट टर्न ओवर रेशियो, आई जस्ट डू दिस, द एसेट टर्न ओवर रेशियो इज 6 times, 3 times, 4 times, 6 times, 8 times, 9 times, राइट। नाउ एनी कंपनी विच हैज़ अ एसेट टर्न ओवर रेशियो ऑफ मोर देन 5 is prone to disruption by competition entering into the business, right? ये चीज़ हम very well of discuss कर चुके हैं, इसके बारे में examples भी देख चुके हैं। Now this company has a good asset turnover ratio and नहीं recording मैंने किया हुआ, don't worry, recording is on, and my receivable days are around 30 days, 20 days, 40 days, which is a acceptable number। मैं मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल देखता हूँ यहाँ पर, तो कैश कन्वर्जन साइकिल माई कैश कन्वर्जन साइकिल, सी माई डेज पेबल आर 121 ओवर ईयर, अर्लियर देवर ऑल 11 days, 10 days, मतलब दो महीने का मेरा, एक महीने से दो महीने का मेरा पेमेंट साइकिल है, राइट। नाउ दिस कुड बी सडनली द पेमेंट्स हैव जंप फ्रॉम 11 डेज टू 121 डेज, दिस कुड बी आउट ऑफ स्ट्रेस, दिस कुड बी आउट ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग इन दिस कंपनी। सी वॉट इज़ हैपनिंग नाउ, 30 crore का मेरा एसेट्स है जो 90 crore से डेप्रिशिएट होता होता आ रहा है, एंड देर वॉज नो सिग्निफिकेंट अपमूव इन द सेल्स। नाउ सी वॉट द कंपनी स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम 2020, ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन का पीरियड था जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, 172 crores ऑफ माई एसेट्स हैव बीन बिल्ट ओवर ईयर एंड 250 crores ऑफ माई एसेट्स हैव बीन बिल्ट ओवर ईयर, द कंपनी इज नेट कैश फ्री। अगर मैं 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखता हूँ सामने, 150 करोड़ का डेब्ट देखता हूँ, विच इज़ हार्डली एनीथिंग। इफ़ आई गो एंड लुक एट द कैश, इसके पास कुछ खास है नहीं, वट आर दीज इन्वेस्टमेंट्स वी नीड टू गो एंड लुक, राइट। इफ़ आई एम गेटिंग इवन 1 rupee buck वैल्यू फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स, विच माइट बी कोटेड स्टॉक एंड उसका वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, विच वी कैन सी इन द डिटेल्स, लुक एट द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, 1200-1500 crore की मार्केट कैप में आपको 600 crore के इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, प्लस यू हैव अ कैपेक्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 times, राइट। एंड इफ माई एसेट टर्न्स आर 8 to 9 times एंड द कंपनी हैज़ टेकन 50% ऑफ लोन्स एंड 50% फ्रॉम इंटरनल जनरेशन, विच इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस, कि ये क्या कर पा रहा है, एंड ही इज़ जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड 150 crores ऑफ एसेट्स इसने यहाँ परचेज किए हैं, वॉट कुड बी द फ्यूचर रेवेन्यूज ऑफ दिस बिजनेस। नाउ ये सब चीज़ें आपको पता हैं, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर ट्रेड्स और अल्फा जनरेशन, सपोज आपको 4%, 5%, 6% पोर्टफोलियो को एलोकेट करना है, वेरी स्मार्टली यू कैन गो एंड लुक एट दीज टू थिंग्स, द टॉप लाइन फिगर्स ऑफ योर ईयरली नंबर्स एंड योर क्वार्टरली नंबर्स। अधिकतर आपको ये जो कंपेरिजन्स हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, ईयर ऑन ईयर है, वाई ओ वाई सेल्स ग्रोथ। अगर मुझे जून 2019 से पहले जून 2018 का सेल्स ग्रोथ करना है तो स्क्रीनर में डेटा मिसिंग है, बट दिस थिंग इज़ देयर, राइट।
नो सडनली व्हाट विल हैपन, यू विल गेट 2, 3, 4 quarters ऑफ नेग्लिजिबल सेल्स ग्रोथ. नेग्लिजिबल, आपको कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा. दिस कुड बी अ वन ऑफ अगेन नेगेटिव ग्रोथ. नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है, आपका पिछला बेस बड़ा हो ये लॉकडाउन का, बट समवेयर डाउन द लाइन यू स्टार्ट सीइंग दीज काइंड ऑफ नंबर्स. कैपेक्स सेशन आप सबने अटेंड किया था, द रिवर्ट वन द आरओई रिवर्ट्स आफ्टर द कैपेक्स बीन डन, सो द प्रॉफिट स्टार्ट कमिंग टू द बिजनेस. राइट नाउ लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ. अगर इस धंधे में ऑपरेटिंग लेवरेज होगा विद द अमाउंट ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, माई बॉटम लाइन ग्रोथ विल इवन ग्रो मच मच ड्रास्टिकली फास्टर ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स वॉट इज ऑपरेटिंग लेवरेज. राइट, सो एनी टाइम वी सी दिस कैपेक्स कमिंग ओवर ईयर, वेन डू यू गेट कन्विक्शन टू गो एंड बाय मोर अमाउंट ऑफ स्टॉक विच यू माइट सेल से 50% 100% रिटर्न के बाद, एंड यू माइट कीप योर कोर एलोकेशन जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए रखना है. लेकिन कुछ ऐसा एलोकेशन जो आप सेम कंपनी के अंदर कर सकते हो विच यू कैन सेल मे बी इन 2, 3, 4, 5 months डाउन द लाइन, विच कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा अल्फा जनरेशन इन स्पाइट ऑफ लुक गोइंग एंड हंटिंग फॉर ट्रेड्स. सो वेन द कंपनी स्टार्ट टू डू कैपेक्स, आर ओ ई रिवर्ट करेगा, वो एक्सेल शीट में हम देख चुके हैं, कैपेक्स सेशन में देख चुके हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. माई सेल्स विल पिकअप वेन दीज देर टू थिंग्स. वन, अ कंपनी विल डूइंग अ स्टैगर्ड कैपेक्स, थोड़ा 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 कैपेक्स कर रही है. वन, अ कंपनी डूइंग अ लमसम कैपेक्स. आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैगर्ड कैपेक्स ऑल्सो. नो दिस इज पिकिंग अप, दिस हैज नॉट येट पिक्ड अप टू दिस स्पीड. आप ईयर ऑन ईयर करो, आपको वो ग्रोथ मिल जाएगी. 23 विल बी कंपेयर्ड विद 16, देयर वुड बी सम ग्रोथ. बट जहाँ पर आपको ये चीज़ आने लगेगी, राइट, योर स्टॉक प्राइस विल सडनली स्टार्ट मूविंग अप. योर स्टॉक प्राइस विल सडनली स्टार्ट मूविंग अप. राइट, अनदर वे टू कैच दिस इज गो टू द BSE का वेबसाइट. और हाउ डू यू फिल्टर आउट, आपको पता है कौन सी कंपनी में कैपेक्स हो रहा है, स्क्रीनर आपने लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है. नाउ गो टू दिस नाहरपोली. आई एम कमिंग फ्रॉम द रिवर्स साइड कि मेरे को पता है कि कैपेक्स हो रहा है, और आई एम गोइंग टू कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स. कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में ये सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आ गए. अभी क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो यहाँ पर एक नोटिस आ जाता है कि BSE विल आस्क फॉर सम क्लैरिफिकेशंस. नाउ आई हैव टू हंट फॉर दैट BSE द एक्सचेंज विद आस्क फॉर सम क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द कंपनी कि वाई सडनली योर स्टॉक प्राइस हैज बीन रनिंग लाइक एनीथिंग. सो ये जो है स्टॉक प्राइस, दिस वॉज अक्टूबर ऑफ 20, सो लेट्स गो टू 2020 एंड सेप्टेम्बर से चलते हैं एंड लेट्स गो टू 2020 नवम्बर में आ जाते हैं. हमारे को यहाँ पर क्या देखना है, क्लैरिफिकेशन. सी क्लैरिफिकेशन सॉट बाय फ्रॉम नाहरपोली, ऐसी आपको एक अपडेट मिलेगा. द एक्सचेंज हैज ऑफ विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस. राइट, इन ऑर्डर टू इंश्योर द, ये सेबी के और एक्सचेंजेस के ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं. जब भी कोई स्टॉक प्राइस ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये फिल्टर ट्रिगर हो जाएगा एंड द एक्सचेंज विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. आप मे बी आफ्टर 1 or 2 days द कंपनी विल कम अप विद द क्लैरिफिकेशन कि देर इज नो मीनिंगफुल इवेंट विच हैज़ हैपेंड एंड देर इज़ नो सच पर्सन हु हैज़ डेल्ट इन शेयर ऑफ द कंपनी, कोई रिलेटिव ने नहीं लिया है और हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो दिस इज़ द थिंग विच शुड ट्रिगर योर आईज कि समथिंग इज़ हैपनिंग एंड दैट समथिंग वॉट इज़ हैपनिंग. नाउ दिस क्लैरिफिकेशन विच इज़ कमिंग ओवर ईयर विच इज़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो कोई मुझे बताएगा कि अक्टूबर में कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? अक्टूबर का महीना जो होता है, अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है. हाँ, सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा? सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट यहाँ आया 30/9/2020. रिजल्ट कब आया मेरा? 10 नवंबर को. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 12 days बिफोर दैट, मोटा मोटा.
देर इज नो फिक्स फॉर्मुला ओवर हियर, आई एम टॉकिंग 12 डेज बिफोर दैट, 30/9/2020 द थर्ड क्वार्टर. वॉट इज माई टॉप लाइन ग्रोथ? 4%. पहले 19% आया. वॉट इज माई टॉप लाइन ग्रोथ? 4%. वॉट इज माई बॉटम लाइन ग्रोथ? प्लीज डिवाइड 18/11 एंड कैलकुलेट द परसेंटेज क्विकली. कोई करेगा? 18/11 60% मोटा मोटा. मैं कोई फिक्स फिगर नहीं जाना, मोटा मोटा 60% ना. नाउ माय एंड सेल्स इज 4%. 12 दिन पहले मेरे को यहाँ आता है कि रिजल्ट के 10-12-15-20 दिन पहले कि देर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्राइस एंड एक्सचेंज वांट्स सम क्लैरिफिकेशन, राइट? एंड आई एम गेटिंग 60% प्रॉफिट इन द अपकमिंग क्वार्टर जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है? उसके पहले व्हेन माय सेल्स इज 19% विच इज़ अ गुड टर्न अराउंड, -20 था, -7 था, इसका 19% आया. सो 16 अगेन डिवाइड बाई 11, आपको कितना परसेंट मिलता है इधर? तो बॉटम लाइन ग्रोथ इज इक्वल टू द टॉप लाइन ग्रोथ. सम मशीनरी और सम कैपेक्स विच हैज़ बीन डन ओवर ईयर, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ द कैपेक्स विच हैज़ स्टार्टेड एंड दिस इसके साथ यू कैन गो एंड चेक द TTM ROC विच इज़ इन द क्वार्टरली शीट. यहाँ पर यू आर गेटिंग अ टर्न अराउंड इन द नंबर्स, राइट? This turnaround in the numbers, in spite with a positive growth in the sales, आपका capex कहीं ना कहीं machinery को start कर चुका है, add करना शुरू हो चुका है. This is the time, अगर आपको लग रहा है कि I am not too sure about my investment, मैं इसको यहाँ से 2-3 साल के लिए अभी नहीं रखना चाहता, I am not too confident upon the business, here you can go on your chart. This is the chart. This is the month of September 2020. ये रहा सितंबर 2020 और ये टेंटेटिवली क्या डेट है जब ये रिजल्ट आया है, वो देखो, लेट मी सी, एक मिनट. सितंबर का आपका रिजल्ट कब आया है? मोटा मोटा एक मिनट, नवंबर में आया ना. सो हमको पता कब चलेगा? ये नवंबर में. सो ये और ये आपका वेटिंग पीरियड है. दिस इज द पीरियड where you should start looking at your chart and here comes your breakout. मैंने सिर्फ ये high point लिया and here comes my breakout. It breaks out, retest and starts. So you can have more allocation to the same company where you can have some dedicated portion as a core portfolio, some dedicated portion as your satellite portfolio which you can sell in maybe 30-40-50% जो भी आपको अच्छा लगता है, generating some alpha for yourself. Right? So we have three things. One is the capex, staggered capex है या lump sum capex है. Secondly we have the reverting of the ROE and ROCs. Thirdly, I don't want to risk in, चेको यहाँ भी growth है, 12 crores का profit है quarterly, which is on a 8 crores, which is some growth. But I don't want to go on a negative sales growth. I am waiting for some positive sales growth with cumulative 2 quarters of growth, जो मुझे यहाँ मिल रहा है. And the exchange के filters which are running and they are catching this kind of information कि the price is started moving significantly. Now, अब मेरे को ये, मैं ये तो नहीं कहता कि आप यहाँ जाके इसको पकड़ लोगे विथ सम फंडामेंटल्स. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, बट आई माइट नॉट बी एबल टू बाय ओवर ईयर एट 70 rupees और 80 rupees. आई माइट बी एबल टू बाय ओवर ईयर मे बी एट 110 bucks एंड इन दिस 110 bucks आई कैन जस्ट सी देर इज़ नो इंडिकेटर ऑन माई चार्ट. कोई मैं वॉल्यूम भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ. आई एम जस्ट पुटिंग माई विल स्टॉप लाइन. अगर इफ दिस इज़ अ मोमेंटम ट्रेड और इफ दिस इज़ अ सेटेलाइट पोजिशन फॉर मी जो मैं कैपेक्स
स्टार्ट हो रहा है उसके एक अजम्पशन से कर रहा हूँ. सो माई इफ माई एंट्री पॉइंट इज हेयर, माई एग्जिट पॉइंट इज हेयर, विच इज़ अ रिटर्न ऑफ 84% इन दिस केस इन 21 वीक्स. आई गिव यू माई डिस्क्लोजर, माई बाइंग ऑफ दिस कंपनी वॉज हेयर, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस. ये विल स्टॉप का भी एंट्री है और ये ब्रेकआउट भी है. माई बाइंग वॉज समवेयर अराउंड हेयर, विच इज़ अराउंड 320 रुपीज़. Now, is this a satellite position for me? No, this is the core position for me. What am I banking upon? I am banking upon the increase of the BOPP films in the country. और इसके अंदर tailwinds हैं. 30,000 की capacity से वो 60,000 जा रहा है, जो उसका total खर्चा 300 उसने करा है, right? Now slowly he has so good powerful cash flows with him, which he will be able to pay down his debt very quickly, right? Hello, sir. Just I need to ask one question. Yes, please. Sir, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि they have investment of around 600 crores. No, see, this investment can be in the subsidies also, na? वो तो मैंने आपको नहीं बोला कि वो investment किसमें है. कोटेड शेयर भी हो सकता है, सब्सिडरी भी हो सकता है, अनकोटेड स्टॉक भी हो सकता है, विच वी नीड टू गो एंड चेक इन द एनुअल रिपोर्ट. इफ इट इज नॉट इन सब्सिडरी देन तो यू हैव अ क्वेश्चन ना, देन तो यू हैव अ क्वेश्चन. इवन सी, देन तो यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट सो मेनी वीक्स, सो मेनी मंथ्स. चलो मैं कोविड फॉल से देखता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. आई एम लुकिंग एट द लोज ऑफ कोविड टिल द प्राइस ऑफ नाउ. द स्टॉक इज अप बाय 2400%, राइट, इन अ मैटर ऑफ 105 वीक्स. हमने पूरा मिस कर दिया, हमको नहीं पता था इसके बारे में, हमने पूरा मिस कर दिया, फॉरगेट अबाउट इट. लेट्स गो टू द एनुअल रिपोर्ट एंड लेट्स गो टू बैलेंस शीट पेज नंबर 84. ये आपका आ गया पेज नंबर 50, ये स्टैंड अलोन है. 75 पेज नंबर कहाँ गया, 84 में आएगा, 82 83. आपके पास 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं. आई हैव फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 36630 लाख, दिस इज नंबर वन. एंड आई हैव दिस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मेरा चल ही रहा है. वेयर डू आई फाइंड मोर इन्वेस्टमेंट्स? आई थिंक वो डेटा क्लबिंग है. ओके, लेट्स गो एंड लुक एट दिस नंबर 2.1. अदर फाइनेंशियल एसेट्स आल्सो, दीज आर जस्ट 22 करोड़, दिस इज 366 करोड़. व्हाई? नाउ सी दिस, माय मार्च बैलेंस शीट इज गिविंग मी 366 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. माय सितंबर का बैलेंस शीट इज गिविंग मी 612 करोड़. तो अब हम मार्च का एनुअल रिपोर्ट खोल रहे हैं, तो इसमें सितंबर का नंबर आएगा नहीं. So, number 2.1, which is increasing from 279 crores. Percentage आप निकाल सकते हो, क्या percentage है वो increase कर रहा है. If you want to know what are these investments, we can go to note number 2.1 है शायद. 2.1, these are investments in associates at cost, ठीक है. This is 280 crores का नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नाहर स्पिनिंग मिल्स, यानी कि दिस इज अ कंग्लोमरेट हैविंग लॉट्स ऑफ कंपनीज. नाउ वन थिंग, इट इज दीज मेनी नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ माय एयर शुड बी स्टैंडिंग अप. नाहर स्पिनिंग मिल्स, वाओ, द कंपनी इज लिस्टेड. आई कैन गो एंड लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न. एंड 66% इज बाय द प्रमोटर्स, ये सारे प्रमोटर आ गए इसमें. नाहर कैपिटल इज, नाउ सी वेरी इंटरेस्टिंग, नाहर कैपिटल इज द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग मिल्स, नाहर पॉली इज द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग मिल्स, राइट. तो नाहर स्पिनिंग मिल्स का मार्केट कैप कितना है? 1875 करोड़. सो नाहर, हम सिंपल स्ट्रक्चर में चलते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. कितना परसेंट होल्ड करता है ये? 19.14%. सो 19.1875 द टोटल मार्केट कैप इनटू 19.14%,
मोटा मोटा 360 करोड़ का वैल्यू होता है इसका, राइट? मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताना। ये सुनो, मैंने सिर्फ 19.14% को जो ये स्टॉक होल्ड करता है नहार स्पिनिंग के अंदर, उसका मैंने इसमें 1875 करोड़ का 19.14% कर लिया। मोटा मोटा मेरा आंसर आया 358 360 करोड़, मोटा मोटा। मैं कोई फिक्स नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, ओके? यस। तो आई तो फाइंड माई सेल्फ 100% रॉन्ग। लेट्स डू दिस वैल्यू हाफ। तो 360 करोड़ को मैं आधा कर लेता हूँ। लेट्स बी वेरी 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 कंजर्वेटिव। हमने इस वैल्यू को आधा कर दिया। भाई गलती हो सकती है, हम लोग एक कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वी कैन डू अ मिस्टेक। सो 360 डिवाइड बाई 2 इज 180 क्रोस। सो प्लीज़ राइट कि नाहर स्पिनिंग मिल्स के अंदर जो मेरा इन्वेस्टमेंट है नाहर पॉली का, उसका मोटा मोटा 180 करोड़ से 200 करोड़ की मेरी टेंटेटिव वैल्यू आती है। नेक्स्ट गो एंड सी विच इज़ द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विच दिस कंपनी हैज़, विच इज़ नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या ये कंपनी लिस्टेड है? इसका काम हो गया। नाहर कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर मार्केट कैप कितना है? 1010 करोड़ शेयर होल्डिंग कैपिटल। एंड लेट्स गो टू द प्रमोटर होल्डिंग कंपनी नाहर पॉली। नाहर पॉली मोटा मोटा ओन्स 40% ऑफ 1010 करोड़। 1010 करोड़ को आप 40% से 40 से मल्टीप्लाई करो, 1010 इंटू 0.4, 400 करोड़ हो गया, राइट? नो फिक्स फिगर्स, नो टू द पॉइंट कैलकुलेशन, मोटा मोटा कैलकुलेशन। ये सर नो 2.25 2.25, 1010, 1000, 400 करोड़ हो गया ना, वही तो बोल रहा हूँ, 400 करोड़ हो गया। चलो मान लो हमारा ये भी गलत है, इसको भी आधा कर दो, तो 200 करोड़ की मेरी वैल्यू आती है नाहर कैपिटल से, 200 करोड़ की मेरी वैल्यू आती है नाहर स्पिनिंग मिल से। अग्रीड? मैंने अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल 50% कर दिया, जस्ट बिकॉज प्राइस टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग। आई एम डूइंग टू डू माई कैलकुलेशन इन टू 50%। 200 करोड़ की वैल्यू नाहर स्पिनिंग से आ गई, 200 करोड़ की वैल्यू मेरी नाहर कैपिटल से आ गई 400। अभी एक चीज़ और है, जो हमने नाहर स्पिनिंग मिल्स देखा था, ये रहा राइट, इसका हमने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था। नाउ वन मोर थिंग, नाहर पॉली इज द प्रमोटर ऑफ नाहर कैपिटल एंड ऑल्सो द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग, एंड नाहर कैपिटल इज ऑल्सो द प्रमोटर ऑफ नाहर स्पिनिंग, विच इज टू द ट्यून ऑफ 45%। मैं पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ, 45%। तो यहाँ पर मेरा मार्केट कैप कितना है? 1875। नाउ 0.45 इंटू 1875 गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ मोटा मोटा 840-850 करोड़। I go to this. Now I go to Nahar. ये वाला एक मिनट। Now I go to, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा आपको, बाद में इससे मजेगा। Now I go to Nahar Capital कि नाहर पॉली का इसमें कितना होल्डिंग है, और नाहर कैपिटल का नाहर स्पिनिंग में 840 करोड़ का होल्डिंग आ रहा है। भाई मेरे को तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अब मैं जाता हूँ इसमें नाहर कैपिटल में, नाहर कैपिटल का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर नाहर स्पिनिंग का कितना स्टेक है? मोटा मोटा 3%। सो 840 इंटू पॉइंट से मोटा मोटा 4%, मे बी अराउंड 50-60 करोड़। सो 500 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन यहाँ से निकलती है। सो टेंटेटिवली विच दिस 600 करोड़ वैल्यूएशन विच इज़ गिविंग ओवर ईयर, ये तो सितंबर का है, यहाँ 366 करोड़ के सामने मेरी 500 करोड़ की वैल्यूएशन निकलती है, और आज की तारीख में ये सितंबर की तारीख में ये 600 से 500 करोड़ की वैल्यूएशन सही है। दिस इज़ एट बुक वैल्यू, और वो भी तब जब मैं अपनी कैलकुलेशन को आधा कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ सो दिस वैल्यू गोज अप टू अराउंड 800-900 करोड़। अभी आपको जब मार्च की बैलेंस शीट निकलेगी ये नंबर आपको 800 करोड़ के आसपास दिखेगा। अभी अगर मैं पूरी कैलकुलेशन में जाऊं, 1400 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है कंपनी की, इसमें से 600-700 करोड़ की तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, तो कितने की कंपनी बची टोटल? आधी, राइट? 700 करोड़ की कंपनी में अगर
मैं 250 करोड़ का कैपेक्स कर रहा हूँ एंड आई हैव अ प्लांट ऑफ 228 करोड़, मोटा मोटा दिस विल कंप्लीट टू अराउंड 280 to 300 करोड़, मोटा मोटा, नो फिक्स कैलकुलेशन, एंड माई एसेट टर्न्स आर 8 to 9 times, सो 250 to 300 करोड़, मेक इट 280 करोड़ और मे बी 250 करोड़, इसको भूल जाओ, ये भी डेप्रिशिएट हो गया, 250 करोड़ इंटू 8 times, आई गेट अ सेल्स ऑफ 2000 करोड़ ओवर ईयर, विच इज 5x फ्रॉम द करंट नंबर्स. वॉट इज अ मार्जिन? मैं तो चलो ये अभी धंधा चल गया, ये इसको भी छोड़ो, इसको भी चलो, ये 300 करोड़ की सेल पे 37 करोड़ का मार्जिन है. कितना मार्जिन है? 37 डिवाइड बाई 277, मोटा मोटा 12-13% का मार्जिन है. चलो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लग जाएगा, आपने डेप ले लिया, आपने डेप ले लिया, इसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, 13% का मार्जिन आपका 10% रह जाएगा. सेल कितनी बनती है आपकी? 2000. प्रॉफिट कितना बनता है आपका? 200 करोड़. पर एक चीज़ हम देख चुके हैं, बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिस डस नॉट हैपन. बॉटम लाइन रन्स मच मोर फास्टर. अगर ये 200-250 करोड़ का मेरा पैट होता है और ये 2000 करोड़ की मेरी सेल होती है, मेरी मार्केट कैप क्या बन जानी चाहिए? अगर मैं आज की वैल्यूएशन देखता हूँ, फ्रॉम अ सेल्स ऑफ 400 करोड़, आई एम गेटिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 1400 करोड़. प्राइस टू सेल्स इज मोटा मोटा व्हाट, 3 times? ओके, इफ आई गिव इट जस्ट 2 times, मे बी 1.5 times, तो ये मेरा 1400 करोड़ की कंपनी सीधा जाती है 3000 करोड़, 3500 करोड़ पे, और वो तब जब स्टॉक आपका 2400% चल चुका है. बहुत बढ़ गया है स्टॉक यार, मैं तो नहीं खरीद सकता. वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है जब स्टॉक मेरा 2400% चल चुका है. What is actually happening? I can use this information. I can use this information over here. I can have multiple levels of investment. Some would be for alpha generation and some would be for the core portfolio. And that too, when this information I am picking up from the balance sheet and I have done my calculations, divide by 2, 50%. 100% आप देखना इस चीज़ को, मार्च आते आते ये बैलेंस शीट में ये फिगर आपका 800 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, प्लस माइनस 5, 10, 15 करोड़, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 800 करोड़ के आसपास आपको ये इन्वेस्टमेंट दिखेगा. अदर वे राउंड, इफ यू आर अ नंबर्स पर्सन, सी दिस, व्हाट इज़ माय इक्विटी? 764. व्हाट इज़ माय शेयर कैपिटल? 13. तो मेरा बुक वैल्यू कितना बना? 764 प्लस 13 कितना हो गया? 777 करोड़. सब्ट्रैक्ट द एसेट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स, 612. तो खुद का पैसा कितना लगा हुआ है? जस्ट 165. और बैंक का पैसा कितना लगा हुआ है? 157, मोटा मोटा 300. और ये कर क्या रहे हैं भाई साहब? 300 करोड़ का कैपेक्स है. तो इसका मतलब आज तक जो जितना भी धंधा करा, खुद का पैसा कुछ लगा ही नहीं. जब खुद का पैसा कुछ नहीं लगा, डिनोमिनेटर इज नथिंग, न्यूमिनेटर इज ओनली गोइंग अप, व्हाट विल हैपन? बाय नाउ यू शुड ऑल बी एबल टू वेरी क्लियरली डू दैट. आरओसी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड नॉट टू बी सरप्राइज्ड, प्रमोटर होल्ड्स द मैक्स स्टॉक. नॉट टू बी सरप्राइज्ड. वाई दिस FIIs एंड DIIs आर नॉट हेयर? बिकॉज द मार्केट कैप इज वेरी स्मॉल एंड फॉर देयर साइज ऑफ दिस कंपनी, ऑफ दिस मार्केट कैप, इट इज डज नॉट मेक एनी सेंस. बाकी जो डिविडेंड आ रहा है वो अलग है. और आज मैंने ये इसकी बात करी, 3-3.5% टाइम्स का प्राइस टू सेल्स है, 2000 करोड़ की सेल बनती है आपकी, नहीं नहीं करते हुए भी. और ROE ROC आपने देख ली, इस पर भी नज़र डाल लो. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एक्सटेंशन टू द कैपेक्स सेशन. एंड अगेन हैव अ लुक एट दिस, 2400% बढ़ चुका है स्टॉक कोविड फॉल से. क्या मुझे यहां पता था? नहीं. क्या मुझे यहां पता था? नहीं. क्या मैं यहां इसको सेंस कर सकता था? शायद हाँ. अगर मैं 24% नहीं ले सकता और यहाँ इस कोविड के फॉल से जब डर का माहौल था, यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्टॉक 3.5 times, 3.5x हो चुका था, 3.5x होने के बावजूद भी
इफ दिस इन्वेस्टमेंट मेड सेंस टू मी एंड आई वॉज मे बी अ ट्रेड और मे बी इन्वेस्टमेंट इस कुड हैव अगेन गॉन अप बाय 5 times. मल्टीबैगर सबको चाहिए. मल्टीबैगर पहले दिन किसी को नहीं पता होता है. इट टेक्स टाइम.